पुलिस में फॉर्मन अटैक एक ऐसा स्टोरी काफी सारे लोगों को नहीं पता। आखिर वहाँ पर इतना बड़ा कांड क्यों किया, वहाँ पर कैसे बच्चा पैदा होते, वहाँ पर अभी कैसा है, पूरी जानकारी मिलेगा इस वीडियो में, आप एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट। पहले आप ये जानो हिरोशिमा फॉर्मन अटैक और नागासाकी फॉर्मन अटैक दूसरे में कनेक्टेड है, और इस वीडियो में सिर्फ हिरोशिमा बात करूंगा। आप चाहे तो नागासाकी वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना। द्वितीय विश्वयुद्ध समय 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा फॉर्मन अटैक हुआ। हिरोशिमा फॉर्मन अटैक हिरोशिमा में क्यों हुई और भी तो शहर थी। हिरोशिमा अमेरिका लगे आबादी वाली जगह थी, बहुत सारी मौत होंगी और बहुत ज़्यादा खड़केश होगा। हिरोशिमा फॉर्मन अटैक इसलिए हुआ, दोनों को देश के बीच रिश्ता अच्छी नहीं था। फिर इतना बड़ा अटैक कैसे होता आप समझते हैं। इस समय द्वितीय विश्व चल रहा है और जापान का हालात बहुत खराब है। 6 अगस्त 1945 को जापान ने लोगों ने आसमान में एक जहाज देखता है। इस समय अधिकतर जहाज दिखाई देती है, हालांकि जापान की वायुसेना रेडियोएक्टिव बंद कर दी थी। वो जहाज एक अमेरिका जहाज थी जो कि जिस समय में कहाँ पे बम गिराया गया वो देखने आई थी। कुछ देर घूमने के बाद वो जहाज निकल पड़ती है। जापान की वायुसेना समझे ऐसा आया था जहाज और सभी रेडियोएक्टिव चालू कर दिया। ठीक 3 घंटा बाद यानी कि 8 बजे फिर से आसमान में जहाज दिखाई पड़ती है, और जापान का वायुसेना सोचा इस बार पिछले जहाज की तरह ऐसा आया था, इसीलिए पूरी की पूरी रेडियो एक्टिव बंद नहीं की। इस बार इस जहाज में परमाणु बम था, उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। ठीक 8:14:20 में परमाणु बम गिराया, ठीक 40 सेकंड के बाद जमीन में गिर गया, यानी कि 8:15 ब्लास्ट हुआ। ये ब्लास्ट इतना भयंकर था, पूरी 15 किलोमीटर दूरी में पूरी जगह तबाह हो गई। इस परमाणु अटैक से करीब 1,40,000 लोगों को जान गंवानी पड़ी और बहुत सारे घायल हुआ और 60,000 आर्मी मौत के घाट उठा दी। अभी हिरोशिमा बहुत डेवलपमेंट हो गया और अभी भी वहाँ पर बच्चा अपंग पैदा होती है। आज का वीडियो के लिए बस इतना ही। इस परमाणु अटैक से जिम्मेदार कौन कमेंट में जरूर बताए। ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। मुलाकात होगी एक न्यूज पर, तब तक के लिए बाय, आप खुश रहें।